जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ को। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से शुरुआत करते हैं। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, वेजल है वो किस आकार की है? वो एक वर्ट इन्वर्टेड कोन के आकार की है। तो मान लीजिए ये हमारे पास इन्वर्टेड वेजल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो उसकी हाइट है सबसे पहले वो लिख लेंगे, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है हाइट एच। मान लीजिए जो कैपिटल एच है वो है हाइट ऑफ द कोन, और ये कितनी है? ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। आगे है, इट इज फिल्ड विद वाटर, वो पानी से भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, ऊपर तक। व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जब हमारे पास गोलियां हैं जिनकी रेडियस है, जो मान लीजिए जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ये है, अगर उनको कोन के अंदर डालें, वेसल के अंदर डालें, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट, तो जो एक चौथाई है पानी का वो बाहर निकल आता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉ ड्रॉप इन द वेजल। हमें नंबर ऑफ लीड्स फाइंड आउट करनी है कितनी इसके अंदर डाली। जैसे एक वेजल है, अगर हम इसके अंदर गोलियां डाल दें, मान लीजिए सबसे पहले ये पानी के साथ भरा हुआ था ऊपर तक, फिर हमने इसके अंदर कांच की गोलियां डाल दी, तो क्या हुआ? कुछ पानी बाहर आ गया, और जो बाहर पानी आया उसका वॉल्यूम कितना है? वो इन गोलियों के वॉल्यूम के बराबर है। तो यही हमें सोल्व करना है कि कितनी गोलियां होंगी। तो मान लीजिए लेट अस सपोज दैट जो हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स हो, नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप इन द वेसल, मान लीजिए वो कितनी है? वो हमारे पास एन है। तब देखिए क्या होगा, तब होगा एन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड सॉल्ट। अब देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ वन लीड सॉल्ट को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वह क्या होगा? वो वॉल्यूम ऑफ एन लीड सॉल्ट के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1/4, 1/4 इनटू जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये होगा। अब चलिए इसको हमने सोल्व करना है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड सो, ये किसके आकार की है? ये हमारे पास स्पेयर के आकार की है, और स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? होता है 4/3 πr³, और वो किसके इक्वल होगा? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ दी वेसल, और जो वेसल है वो किसके आकार की है? वो कोन के आकार की है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। अब हमने यहां से एन का वैल्यू निकालना है, ये काम है हमारा। अब देखिए पाई इज कैंसल विद पाई, और 3 इज कैंसल विद 3, ये हो गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आगे बचा एन इंटू 4 इंटू जो स्मॉल आर का वैल्यू है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये आर की क्यूब है, तो ये इक्वल होगा 1/3, 1/4 इंटू
आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है, वो 5 है, तो 5 इंटू हमारे पास बचा एच, एच मीन्स 8। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 4 इज कैंसल विद दीज 2, तो जो n का वैल्यू बचा वो कितना बचा, और 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, तो ये बचा 5 × 5 दैट इज 25, 25 × 2 दैट इज 50, और ये 2 है जो वो गया मल्टीप्लाई में, तो जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। और आप देख सकते हो यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का बना हुआ है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, जो गिवन है वो है कैपिटल एच, वो हमारे पास 220 सेंटीमीटर है, और इसी प्रकार जो डायमीटर है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहां से रेडियस निकालना चाहें तो जो रेडियस होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए इसकी स्मॉल हाइट h है वो 60 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस, और जो इसकी रेडियस गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमने मास फाइंड आउट करना है पोल का, गिवन दैट, गिवन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो जो गिवन है ना वो एक्चुअली में हमारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी मींस रो, और जो रो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम ये होता है जो होता है डेंसिटी। तो अगर हम रो निकाल ले तो ये आएगा मास है हमारे पास 8 ग्राम और वॉल्यूम है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, मींस जो रो आएगा वो कितना आएगा, वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। अब हमने जो निकालना है इसका मास निकालना है, तो अब देखिए जो मास होगा, एज जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होता है। तो जो कैपिटल एम होगा वो इक्वल आएगा, डेंसिटी एक्चुअल में रो है, और जो वॉल्यूम है वो इन दोनों की वॉल्यूम होगी, और इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम। अब देखिए जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम होगी जो, वो होगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसी प्रकार जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम होगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब यहां से जो कॉमन है वो पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, यहां पर बचेगा आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो अब आप रखिए वैल्यू, अब आपको वैल्यूज रखनी है, तो रो का वैल्यू है जो वो 8 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, कैपिटल आर का वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, मीन्स 12 × 12 × 220, प्लस स्मॉल आर है वो हमारे पास 8 है, तो 8 × 8 × और जो स्मॉल एच है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा, अगर हम 3.14 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 25.12, और इसी प्रकार 12 × 12 ये होगा 144, और 144 की अगर हम 220 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31
680 और इसी प्रकार प्लस 8864 और 64 की अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा हमारे पास 3840। अब देखिए 25.12 इंटू अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास होगा 35520, ये होगा। और अगर हम इसकी आगे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 892 262.4 ग्राम, ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। लेकिन जो इसका आंसर है वो एक्चुअली किलोग्राम में गिवन है, तो जो कैपिटल एम होगा वो इक्वल आएगा 892 262.4 इंटू 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहां से अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट है, तीन पॉइंट आगे चला जाएगा, मींस 892.2624 किलोग्राम। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसके अंदर राइट सर्कुलर कोन है और जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो गिवन है, दैट इज गिवन दैट जो गिवन है हमारे पास वो है राइट सर्कुलर कोन की हाइट, इसको मान लीजिए स्मॉल एच है ये, और ये कितनी है 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो उसकी रेडियस है वो मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, वो किसके ऊपर खड़ा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, मींस कैपिटल आर उसका भी 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड अपराइट, हो रखा गया है इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, किसके अंदर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, फुल ऑफ वाटर और वो पानी से भरा है, सच दैट इट टच द बॉटम, और ये किससे टच कर रहा है, ये बॉटम से टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, हमने वाटर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट इन द सिलेंडर, किस सिलेंडर के अंदर कितनी बचेगी, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अब यहां पर जो सिलेंडर की रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है, तो आर इक्वल 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। लेकिन जो उसकी कैपिटल एच है, मान लीजिए कैपिटल एच है, तो ये कितनी है हमारे पास 180, तो कैपिटल एच इक्वल 180 सेंटीमीटर ये है। तो हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम कितनी रहेगी। अब देखिए मान लीजिए जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो वी है, और आप यहां देख सकते हो किसके इक्वल होगी, अगर हम जो ये सिलेंडर है उसमें से जो ये सॉलिड है उसका वॉल्यूम माइनस कर दे तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो बचेगा। तो देखिए तो यहां पर होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्यों, क्योंकि रेडियस तीनों में सेम है, माइनस, अब जो माइनस करना है वो इस सॉलिड का वॉल्यूम, और सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जो कोन की हाइट है वो एच है, और प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। अब देखिए अब हमने सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, अब देखिए तो यहां होगा पाई आर स्क्वायर एच, आप एक काम कीजिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को डिवाइड कीजिए, तो यहां पर बचेगा माइनस, अब देखिए कॉमन है जो 1/3 यहां से कॉमन है तो 1/3 आया कॉमन, इसी प्रकार पाई पाई कॉमन है और आर स्क्वायर भी कॉमन है,
तो आर स्क्वायर आया कॉमन, तो अंदर बचा जो वो बचा स्मॉल एच प्लस यहां पर बचा टू कैपिटल आर। अब देखिए, अब आप यहां देख सकते हो वन बाय थ्री यहां पर भी कॉमन है और यहां पर पाई आर स्क्वायर यहां पर भी कॉमन है, तो जो अंदर बचा वो बचा हमारे पास 3h माइनस यहां पर बचा कैप स्मॉल h प्लस 2 का। तो इसका वैल्यू हम सोल्व करते हैं, ये हमने वैल्यू निकालना है, तो चलिए अब इसकी पुट करते हैं वैल्यूज। तो यहां पर जो v होगा ये इक्वल आएगा 1 बाय 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और अंदर है जो 3 कैपिटल H का वैल्यू है 180 सेंटीमीटर है माइनस स्मॉल H का वैल्यू है जो वो हमारे पास है 120 प्लस 2 इंटू जो रेडियस है वो आप देख सकते हो वो 180 सेंटीमीटर, वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है ये है। तो ये इक्वल होएगा 1 बाय 3 पाई आर स्क्वायर और अगर आप 3 की 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 540 सेंटीमीटर माइनस 120 और ये 60 × 2 ये भी 120 होगा, तो 120 दैट इज 240 ये आएगा। अब ये इक्वल होगा, अब आप रखिए इसकी वैल्यूज, अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 1 बाय 3 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर और जो आर है वो हमारे पास है 60, तो ये 60 इंटू और 540 दैट इज 300 सेंटीमीटर की क्यूब है, यहां पर क्यूब है मीन्स, तो आगे आएगा। अब देखिए 3 × 3 यह होगा यह 100 यह आएगा, तो यहां पर होगा 22 इंटू 66 3600 इंटू 100 डिवाइड बाय 7। अब देखिए लेकिन जो आंसर है वो हमारा मीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 ये होगा, यहां पर बचेगा मीटर की क्यूब। अब जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दीजिए, 100 इससे 100 से कैंसिल होगा और ये 20 ये 20 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा देखिए 36 और अगर मैं 22 को लिखूं तो ये होगा 22 इंटू 36, तो ये हमारे पास आएगा 11 × 72 और अगर हम 72 की मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो ये आएगा 297, तो ये आएगा, तो हमारे पास आएगा साइन 792 डिवाइड बाय 7 इंटू 1/100 मीटर क्यूब। अब आप 792 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो यहां पर अगर 7 से डिवाइड करें 792 डिवाइड बाय 7 तो 7 × 7 9 7 × 7 22 7 × 3 = 21 फिर यहां पर 1 तो यहां पर 7 × 7 तो यहां पर हमारे पास होगा जो ये होगा 113.1 और ये अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि यहां पर ये खत्म नहीं हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 100, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.131 मीटर क्यूब। और आप देख सकते हो जो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है वो हमारे पास यही है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसकी स्टेटमेंट ये है, स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल ग्लास है वेजल, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, उसकी जो नेक है सिलेंड्रिकल वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक्चुअल में जो गिवन है वो हाइट गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है, लेट अस गिवन दैट वो है हमारे पास नेक मींस हाइट, और जो हाइट है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो हमारे पास, इसको स्मॉल आर ले लीजिए रेडियस को, तो जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है जो, वो हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 8.5 सेंटीमीटर को 17/2 भी लिख सकते हैं, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, डी का हाफ, और डायमीटर का हाफ मींस 17/4 सेंटीमीटर ये होगा। तो आगे है, बाय मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कि ये कितना पानी रख सकता है, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी, जिसकी वॉल्यूम आई वो 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब है, चेक वेदर सीज करेक्ट, क्या वो सही है, टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मीजरमेंट, और पाई का वैल्यू हमने लेना है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4। तो देखिए, अब जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली में इक्वल है वॉल्यूम ऑफ दी जो ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ दी दिस पेयर, और जो वॉल्यूम ऑफ दिस पेयर है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, ये है। तो यहां पर आप देख सकते हो पाई है कॉमन, तो अंदर आया आर स्क्वायर कैप एच प्लस 2/3 आर क्यूब, ये आया। तो अगर हम पाई वैसे का वैसा, और यहां पर एक्चुअली 4/3, क्योंकि जो स्पेयर का वॉल्यूम है वो 4/3 होता है, तो यहां आया। अब स्मॉल आर का वैल्यू देखिए, स्मॉल आर का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर मींस 1 × 1, और जो हाइट है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3, जो कैपिटल आर है दैट इज 17/4, और इसका क्यूब है तो 17/4 × 17/4 ये आएगा। अब हमने इसका वैल्यू निकालना है, तो यहां से 4 इज कैंसल विद 4, तो ये इक्वल होएगा पाई 8 प्लस, और जो यहां पर हमारे पास ये है 17 × 17 × 17, ये हमारे पास है 4913 डिवाइड बाय 4 × 4 16 × 3 दैट इज 48, तो ये होगा पाई 8 प्लस। अगर हम 4913 को 48 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज ये आएगा 102.35, ये आएगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, तो पाई का वैल्यू लेना हमें 3.14 इंटू, अगर हम इनको ऐड करें तो ये होगा हमारे पास 110.35, ये होगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा। तो जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी आई, वो ये आई, तो जो वॉल्यूम है वो ये है, और हमने आंसर गिवन है वो ये है, तो जो मेजर वैल्यू है आर नॉट करेक्ट, हेंस मेजर वैल्यू आर नॉट करेक्ट। आंसर ये है,
जो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वो आंसर ये है। लेकिन अगर हम इनको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक स्पेयर बनेगा, ये बनेगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो ये है। एक्चुअली में जो हमने वॉल्यूम लिया है वो किसका लिया है, वो ये लिया है, मीन्स एक सिलेंडर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, और पूरा जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम। लेकिन यहां पर जो ये वॉल्यूम है ये डबल आ गया ना, तो इसका वॉल्यूम एक्चुअली में हमने काउंट ही नहीं किया है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है हालांकि वो ये है, लेकिन हम इसको अगर अच्छे तरह, अगर इस जो ये वॉल्यूम है इसको माइनस कर दें तो शायद क्या पता हमारा आंसर ये भी आ जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैथ्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यही है, और ये आंसर हमारा रॉन्ग है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।